हेलो व्यूवर्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका. आपका जो पेपर आएगा, एग्जाम पेपर, उसमें आपका फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो इसी तरह के होंगे. तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में चार पार्ट है, तो चारों पार्ट आपको इसी वीडियो में मिलेंगे. तो हम इसमें से पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2 tan 30 degree डिवाइड बाय 1 plus tan square 30 degree. चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करके बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है. तो पहला ऑप्शन है साइन 60 degree, सेकेंड इज कॉस 60 degree, टेन 60 degree और साइन 30 degree. प्रॉब्लम मैंने पहले से सॉल्व कर लिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ. तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें टेन 30 degree की वैल्यू पता होनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता तो आप इसको टेबल से देख सकते हैं. जैसे किस टेबल में, टेन 30 degree 1/√3. तो 1/√10 30 की जगह हम पुट करेंगे 10 30 1/√3. तो 10 30 degree की जगह हम पुट करेंगे 1/√3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे. तो न्यूमरेटर में 2 × 1/√3, तो 2 न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा तो 2/√3, और डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है. तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज 2/√3, डिनोमिनेटर. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. ये दो अलग अलग टर्म है, इसको सिंगल टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 1 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. 3 और 1 का एलसीएम है 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करेंगे. तो ये 3 + 1 एज इट इज. नाउ 3 + 1 4 हो जाएगा. तो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड में न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं. डिवाइड के साइन को मल्टीपल में चेंज करते हैं. तो मल्टीपल में चेंज करने से क्या होगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. नाउ हम इसको सॉल्व कर लें. 2 से 4 2 टाइम कैंसिल. 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट सेम नंबर के रूट को मल्टीपल करने पर वही नंबर आता है. क्योंकि 3 की पावर 1/2, सेम 3 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 1 हो जाती है, जो 3 की पावर 1. तो इस न्यूमरेटर √3 से डिनोमिनेटर √3 कैंसिल हो गया, तो लास्ट जो आंसर बचा वो √3/2. और √3/2 टेबल से चेक करेंगे तो √3/2 साइन 60 degree की वैल्यू होती है. कॉस 60 1/2, टेन 60 √3 और साइन 30 1/2. तो ये 3 वैल्यू इस आंसर को मैच नहीं करती है, सिर्फ आंसर ए साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है. इसलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. सेकंड पार्ट इज 1 − 10² 45 degree डिवाइड बाय 1 + 10² 45 degree, और उसके 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज 10 90 degree, बी इज 1, सी इज साइन 45 degree एंड लास्ट डी इज 0. तो हमें इसमें चेक करना है कि इस सेकंड पार्ट के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 10 45 degree की वैल्यू टेबल से चेक करनी है. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते, 1 − 10² 45 degree, 1 + 10² 45 degree. 10 45 की वैल्यू सबसे आसान है, जो इजीली याद हो जाती है. 10 45 degree इज 1. 10 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है. तो 10 45 degree की वैल्यू पुट करेंगे, 1 − 1² 1 + 1² 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 − 1 डिवाइड बाय 1 + 1. तो न्यूमरेटर हो गया 0/2, और 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 है. दिस इम्प्लाइज आंसर इज 0. तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज रॉन्ग. तो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर. थर्ड पार्ट इज साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a
इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए की वैल्यू इन चार ऑप्शन में से क्या है, क्या वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री या 60 डिग्री है. तो यहाँ पे अगर हम इन वैल्यू को पुट करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 30 पुट करते हैं ए की जगह पे, तो ये 60 हो जाएगा और ये 30, और हमें पता है कि 60 और 30 की वैल्यू सेम नहीं है. सेम ऐसे ही जैसे 45 को पुट करोगे तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा. तो ये भी मीन्स कि ये थ्री वैल्यू 60 पुट करेंगे तो ये 120 होगा और ये 60 होगा. तो ये थ्री वैल्यू इसके लिए सुटेबल नहीं है. अब यहाँ पे देखिए हम जीरो पुट कर दें तो साइन 2 × 0 जीरो और साइन जीरो, तो इस वैल्यू के लिए ये सेम रहेगा. और अगर टेबल से देखें तो साइन जीरो होता है जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ ए की फर्स्ट यू जीरो डिग्री वैल्यू पे ये लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा. तो साइन यहाँ पे अगर हम ए जीरो पुट कर दें तो साइन जीरो जीरो, और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा. तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट है, साइन 2 × 0 इक्वल टू 2 sin 0. तो ये हो गया साइन 2 × 0 जीरो, 2 sin 0, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो. तो सिर्फ ए की जीरो डिग्री वैल्यू पे ही ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है. फोर्थ पार्ट इज 2 tan 30 degree डिवाइड बाय 1 − tan² 30 degree, और उसके चार ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60 एंड none ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ पार्ट सेम है, जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया वैसे ही फोर्थ को भी सॉल्व करना है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. वहां पे डिनोमिनेटर में प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन है. तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय, टेबल से हम देखेंगे तो tan 30 डिग्रीज 1 बाय रूट 3. तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, 2 × 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 − 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर. नाउ अब हम मल्टीपल को सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर में, 2 × 1 is 2 डिवाइड बाय रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 − 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. नाउ न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो 3, और इसके डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 − 1. नाउ 2 बाय रूट 3, और डिनोमिनेटर में 3 − 1 2 बाय 3. नाउ इस मल्टीपल डिवाइड के साइन को हमें मल्टीपल में चेंज करना है, तो न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का रिवर्स हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. 2 से 2 कैंसिल, सेम हम 3 को √3 × √3 लिखेंगे, तो √3 × √3 डिवाइड बाय √3. 3 को हमने दो अलग अलग नंबर में लिख दिया, √3 से √3 कैंसिल, आंसर इज √3. बट हमें आंसर डिग्री की फॉर्म में चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से √3 किसकी वैल्यू, तो हम टेबल से चेक करते. तो यहाँ पे cos 60 होता है 1/2 जो कि √3 नहीं है, sin 60 √3/2 ये भी हमारा आंसर नहीं है, tan 60 इज √3, तो √3 का आंसर हम लिखेंगे डिग्री की फॉर्म में tan 60 डिग्री. तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज आवर आंसर. आई होप आपको ये सेकंड पार्ट पूरा समझ में आया होगा.